हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज सचिन पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल. टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ राइटिंग सेक्शन सीबीएसई क्लास 12th एडवर्टीजमेंट्स. इन बोर्ड एग्जामिनेशन डेफिनेट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, सो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा सिंसियर एंड अटेंटिव. आई नीड योर फुल सिंसियरिटी एंड अटेंशन सो दैट यू कैन understand it thoroughly and you can grasp each and everything whatever I am telling you. So without wasting much of time, let's start. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and share it to all your friends. Advertisements, it is a very important topic and 4-mark questions are asked in the board examination. And many times students get confused in its format, in its content. बच्चे समझ नहीं पाते हम इसको कैसे draw करें, इसका content क्या होगा, कैसे advertisements को बनाएं, कैसे लिखें. So आज का video देखने के बाद advertisement आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, provided आप sincerely आप इस video को देख रहे हैं. आपकी सिंसियरिटी ही इस वीडियो को आसान बनाएगी, इजी बनाएगी. सो स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एडवर्टीजमेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स अराइजेस, व्हाट आर एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट्स होते क्या हैं? एडवर्टीजमेंट्स आर मीडियम टू प्रमोट सेल एंड सर्विसेज. फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज we take the help of advertisements. आप देखिए अक्सर newspapers, they are full of various kinds of advertisements. इनका use हम कैसे करते हैं, इनको हम क्यों publish करते हैं, मैंने एक ही line में बताया, in order to promote sale and services. किसी चीज को आपको sell करना है. आप देखिए newspaper में आपको red and chief लेदर शूज का एडवर्टीजमेंट दिख सकता है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एडवर्टीजमेंट दिख सकता है, किसी जॉब या वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट दिख सकता है. किसी जॉब के पर्पस से देखिए, किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन के लिए हम एडवर्टीजमेंट्स की हेल्प लेते हैं. पब्लिक को अवेयर कराने के लिए आप कह सकते हो, उनका अटेंशन लेने के लिए, पब्लिक को ये चीज बताने के लिए, उनके माइंड में इस चीज को प्रमोट करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले. दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, एडवर्टीजमेंट्स दे आर ऑफ टू काइंड्स, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स एंड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स. डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको जानना चाहिए होते क्या है. बहुत सिंपली समझाऊंगा, इन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स वी यूज ओनली टेक्स्ट वर्ड्स. हम सिर्फ टेक्स्ट का यूज करते हैं, रिटन कंटेंट का यूज करते हैं. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर दोज एडवर्टीजमेंट्स इन विच वी यूज टेक्स्ट कंटेंट, रिटन मैटर होता है. बट डिस्प्ले, एज यू कैन सी, डिस्प्ले का मतलब ही होता है शो करना, कोई चीज दिखाना. जब हम when we start taking the help of images, figures, cartoons, different designs, different colors, जब हम इनका यूज करना स्टार्ट करते हैं, उनको डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, so these advertisements they come under display advertisement. So the difference should be quite clear, classified और display advertisement के बीच का जो difference है ये आपको समझना चाहिए. So in your syllabus, in this video we will be discussing about classified advertisements. And in classified column, agar hum baat kare beta, display is not a part of your syllabus. So in classified columns, in classified advertisements, we will be discussing about the first advertisement that we will discuss today is situation vacant. Situation vacant. Next one is
to let, third one is for sale, number fourth is lost and found. These advertisements we will be discussing in today's video, today's learning, teaching learning session. Whenever you are given any question based on advertisement, देखो बेटा, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन थॉरोली एंड कंप्लीटली. रीड द क्वेश्चन टिल द एंड. आप उसको एंड तक पढ़िए कि व्हाट द क्वेश्चन सेज. इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, दूसरा पॉइंट यही होगा, इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज. वो किस तरह का एडवर्टीजमेंट है. पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. अगर आप क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करते हो कि ये एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन है, तो देन एंड देयर ये भी आप तुरंत फाइंड आउट करिए कि व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज. अब आप पूछेंगे, सर हम एडवर्टीजमेंट को, उसके टाइप्स को कैसे आइडेंटिफाई करें. इट्स वेरी इजी. इफ यू रीड अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट some company, organization, institute is offering any job, if the advertisement talks about any vacancy, any job, advertisement में job की बात हो रही हो, vacancy की बात हो रही हो, जब देखो situation vacant, vacant vacancy, if advertisement talks about job, vacancy, कोई for example किसी school में XYZ टीचर की पोस्ट खाली है, मैथ साइंस फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट खाली है, किसी होटल में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है, किसी स्कूल में लाइब्रेरियन की पोस्ट खाली है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को सेल्समैन चाहिए, चाहिए जब भी चाहिए जॉब की बात होगी, सो एडवर्टीजमेंट विल बी सिचुएशन वैकेंट. इसमें दो चीजें होंगी, या तो कोई कंपनी आपको, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब ऑफर करेगी, या आपको जॉब चाहिए भी होगी. दोनों चीजें हैं. कोई कंपनी, कोई स्कूल, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको जॉब ऑफर कर रही है, या आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप एक इंडिविजुअल हो और आप जॉब सर्च कर रहे हो, सो दैट एडवर्टीजमेंट विल कम अंडर सिचुएशन वैकेंट कॉलम. सेकेंड वन इज टू लेट. टू लेट रेंट, फॉर रेंट. अगर क्वेश्चन कहता है, द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, विला, फ्लैट इन सम पॉश एरिया ऑफ एक्स वाई जेड प्लेस, यू वॉन्ट टू लेट आउट दैट, बट यू नो लेट आउट अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ दैट हाउस, यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन रेंट. जब भी आप रेंट की बात करोगे, इट विल बी टू लेट. जब भी कोई चीज हम बेचने की बात करेंगे, बेचने की बात करेंगे इन द सेंस डिस्पोज करने की बात करेंगे, आपको घर बेचना है, फ्लैट बेचना है, गाड़ी, मतलब एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू डिस्पोज, इफ यू आर गोइंग टू सेल एनीथिंग, इफ यू आर गोइंग टू डिस्पोज एनीथिंग, दैट एडवर्टीजमेंट विल कम अंडर फॉर सेल. कोई चीज आपने खोया है, पाया है, कोई भी चीज है, एक्स वाई जेड है, एनी ऑब्जेक्ट है, सो दैट एडवर्टीजमेंट विल कम अंडर लॉस्ट एंड फाउंड. सो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि एडवर्टीजमेंट किस टाइप का है. सो द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट दैट विल डिस्कस इज सिचुएशन वैकेंट. अगर हम बात करें सिचुएशन वैकेंट की, नंबर वन द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट situation vacant. There are certain points that you need to keep in your mind. Before we start discussing situation vacant, इसका format क्या होगा, हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ये discuss कर लें. There are certain points. Number one, point number one, name and number of posts. किस पोस्ट की बात कर रहे हैं हम, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट. सेकेंड पॉइंट,
gender, male or female, gender, age, educational credentials, educational qualification क्या है. Next one is एक्सपीरियंस. उस आदमी का, उस पर्सन का एक्सपीरियंस कितना है. अदर नेसेसरी डिटेल्स, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए और अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेवियरल स्किल्स कैसी, तो ये सारी अदर नेसेसरी डिटेल्स. नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी. सैलरी को हम ये भी कह सकते हैं पे स्केल और पर्क्स. पे स्केल एंड पर्क्स, PERKS. बेटा डिफरेंस क्या है. पे स्केल इज सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी द अदर फैसिलिटीज विच यू गेट. सैलरी के अलावा कई बार हमको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, फूडिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, कन्वेंस टू एंड फ्रो कन्वेंस फैसिलिटी, ये सारी सैलरी के अलावा जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं दे कम अंडर पर्क्स. नेक्स्ट, मोड ऑफ एप्लीकेशन. ये पॉइंट्स आपको याद नहीं करने, अभी बहुत इजी है, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, डोंट वरी. मोड ऑफ एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई. लास्ट में आता है बेटा कॉन्टैक्ट, नेम एंड एड्रेस. कॉन्टैक्ट, नेम एंड एड्रेस, ये पॉइंट अभी देखिए कितने इजीली आपको समझ में आएंगे. मैंने पहले भी कहा वेन एवर यू आर गिवन एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज. जब भी एडवर्टीजमेंट जॉब की बात करे बेटा इसको आप माइंड में रख लीजिए, जॉब की बात हो, वैकेंसी की बात हो, दैट एडवर्टीजमेंट विल बी बेस्ड ऑन सिचुएशन वैकेंट. अब आपको कैसे, हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस ले लेते हैं. सपोज कोई क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड स्कूल इन न्यू दिल्ली, एक्स वाई जेड स्कूल इन आगरा, नोएडा रिक्वायर्स अ मैथ्स टीचर, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट. देखो बात किसकी, रिक्वायर्स की, नीड है, जॉब की बात की गई. हमने कहा एक्स वाई जेड होटल रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट, एक होटल है उसको रिसेप्शनिस्ट चाहिए. बात हुई जॉब की, कोई होटल है देखो वो जॉब ऑफर कर रहा है. हमने कहा एक्स वाई जेड फार्मास्यूटिकल कंपनी, देहरादून की एक, हरिद्वार की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दैट रिक्वायर्स यंग सेल्समैन, टू यंग सेल्समैन, फोर यंग सेल्समैन, उसको सेल्समैन चाहिए. तो जब भी जॉब की बात आती है द एडवर्टीजमेंट will be situation vacant. एक sample question को हम लोग करेंगे. I am going to wipe it. I hope you all have noted it down. The sample question is, if I say Saint Columbus School, Noida. Saint Columbus School, Noida requires a TGT maths teacher. Draft a suitable advertisement. अब देखो बेटा, सबसे पहले आप advertisement का question आपने पढ़ लिया. You have to make a box. Box, देखो formatting बहुत अच्छी होनी चाहिए बेटा, eye catching होनी चाहिए. आप गलत सलत format बना करके बैठ जाते हो, formality नहीं चलेगी. आपको सबसे पहले एक अच्छा सा बॉक्स डिजाइन करना है. बॉक्स इन द सेंस, इसका भी कोई रूल नहीं है बेटा, बट जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव हमें ऐसा बनाना है कि इट शुड बी आई कैचिंग.
इसकी जो लेंथ है इसका कोई रूल नहीं है, मैंने पहले कहा देयर इज नो रूल, बट जस्ट टू मेक इट आई कैचिंग, इसकी जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटीमीटर्स के आसपास आप रखा करिए, 7 सेंटीमीटर्स के आसपास इसकी विड्थ होगी और लेंथ 13, 14, 15 लाइंस जितने में आ जाए। नीचे से क्लोज नहीं करना है आपको, क्लोजिंग हम लास्ट में कर लेंगे। अभी क्वेश्चन हमने कहा सेंट कोलंबस स्कूल नोएडा रिक्वायर्स अ टीजीटी मैथ्स टीचर। अब देखो बेटा, अक्सर बच्चे का टीचिंग में देखो या तो टीजीटी या तो पीजीटी। टीजीटी इज ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, द टीचर्स हु टीच अप टू क्लास 10th, उनके लिए बीएड कंपल्सरी होता है। दे टीच अप टू क्लास 10th, दे आर ट्रेंड टीचर्स, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। And the teachers who teach 11th and 12th, they are called PGT, post graduate teacher. अब एक चीज और देखो बेटा, जब भी आप situation vacant का advertisement लिखते हो तो आप qualification में confuse कर जाते हो कि educational credentials में क्या लिखें, educational qualification क्या होगी। एक बार मैं आपको recall करा दे रहा हूं, जब भी हम बात करते हैं बेटा maths और science field की, तो आप देखो कोई आदमी बीएससी करेगा, एमएससी करेगा, बीएड करेगा, एमएड करेगा मैथ्स और साइंस के फील्ड की। इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की बात करें तो बीए करेगा, एमए करेगा, बीएड करेगा, एमएड करेगा। आई होप यू गेटिंग मी। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो बीपीएड करेगा, एमपीएड करेगा, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड और आगे वो करेगा अगर अलग स्पेशलिटी है किसी गेम में तो। अगर लाइब्रेरियन की बात करें बेटा तो बैचलर इन लाइब्रेरी बी लिब एंड एम लिब, मास्टर इन लाइब्रेरी बी लिब एम लिब। अगर हम किसी बेटा मेडिसिनल फील्ड की बात करें बी फार्मा है, एम फार्मा है। दे आर प्रोफेशनल कोर्सेज, आप देखो एमबीए वगैरह हैं। अगर हम बात कंप्यूटर की करेंगे बेटा तो एमसीए वगैरह किया होगा, पीजीडीसीए किया होगा। तो आपको क्वालिफिकेशन को बहुत मतलब व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स इट शुड मैच विद द पोस्ट। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट से मैच करनी चाहिए, अगर वो मैच नहीं करेगी तो एडवर्टीजमेंट गलत हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन कहा सेंट कोलंबस स्कूल नोएडा रिक्वायर्स अ टीजीटी मैथ्स टीचर। अब देखो बेटा, पहले देखो किसको रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज किसको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है सेंट कोलंबस स्कूल। कहां का स्कूल है बेटा? नोएडा। सेंट कोलंबस स्कूल नोएडा को क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट है, तो आप देखो बॉक्स में लिख दिया रिक्वायर्स। इतना समझ में आया? अगर मान लो कोई होटल होता, किसी होटल को रिसेप्शनिस्ट चाहिए होता तो एक्स वाई जेड होटल न्यू दिल्ली रिक्वायर्स। कुछ बच्चे कहते कुछ आप देखो बेटा, आप कॉमन सेंस भी अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हो। आप चाहो तो सबसे टॉप पर सिचुएशन वैकेंट भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहो तो यहां पर भी आप टॉप पर सिचुएशन वैकेंट, सबसे टॉप पर सिचुएशन वैकेंट लिख दो, उसके नीचे से आप ये लिखना शुरू करो, इट्स अप टू यू। दोनों सही है, गलत नहीं है। सेंट कोलंबस स्कूल नोएडा रिक्वायर्स। अब क्वेश्चन देखिए क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, सेंटेंसेस आपको नहीं लिखने हैं, यू हैव टू यूज ओनली पॉइंट्स। क्या रिक्वायरमेंट है? एक टीचर या दो जितने भी हो। देखो क्या लिखा है, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट। क्या जरूरत है? अ टी जी टी मैथ्स टीचर, अ टी जी टी मैथ्स टीचर। अगर दो हैं बेटा टू टी जी टी मैथ्स टीचर्स हो जाएगा। जेंडर क्लासिफाई अगर है मेल या फीमेल तो आप वही लिखोगे, अगर कोई जेंडर क्लासिफाई नहीं किया गया है तो यू कैन राइट बोथ मेल और फीमेल। अब देखो खुद से लिखते जाओ बेटा, एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, अब खुद से लिखते जाओ। एज बिटवीन 28 टू 40 ईयर्स,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी बेटा? बीएससी बैचलर इन साइंस विद बीएड, बीएससी विद बीएड मिनिमम 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, मिनिमम 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। कुछ पॉइंट्स खुद से भी लिख सकते हो बेटा, देखो जैसे फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। आप चाहो तो कुछ पॉइंट खुद से भी लिख सकते हो बेटा, इट्स अप टू यू, 2-3 पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हो। Whenever we are talking about salary, अब देखो बेटा सैलरी की जब भी हम बात करते हैं तो सैलरी को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। कई बार लिख देते हैं सैलरी नो बार, नो बार इज नो लिमिट, सैलरी की कोई लिमिट नहीं। या तो हम लिख देते हैं सैलरी नेगोशिएबल, जितने पर बात बन गई उतनी सैलरी हो गई, नेगोशिएट करना है आपको, सैलरी नेगोशिएबल, या सैलरी As per norms, salary as per norms, norms के according salary, जैसे rules के according salary, perks में आ सकते हो बेटा, conveyance provided, अप्लाई कैसे करना है। कुछ लोग लिख देते हैं बेटा सीधे इंटरव्यू में आइए, कुछ लोग, अब दो तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो अप्लाई विद योर फुल रेज्यूमे बाय दिस एंड दिस डेट, इस डेट तक अप्लाई करिए, या सीधे आप लिख सकते हो बेटा वॉक, कैसे लिखना ध्यान दीजिएगा, वॉक डैश इन डैश इंटरव्यू ऑन, वॉक इन इंटरव्यू ऑन, एक डेट आप दे सकते हो, वॉक इन इंटरव्यू ऑन दिस डेट, इस डेट को सीधे इंटरव्यू के लिए आइए। देखो हो गया मोड ऑफ एप्लीकेशन हो गया। लास्ट में बेटा, सबसे लास्ट में आप क्लोज करोगे एक बार, यू विल मेंशन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में किससे कॉन्टैक्ट करना है बेटा, स्कूल है तो द प्रिंसिपल, कहां का प्रिंसिपल है बेटा, सेंट कोलंबस स्कूल नोएडा। एट लास्ट यू हैव टू मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मेंशन करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा 99XXX, like this you have to mention, and then final closing, आपको box को finally close कर देना है। I hope you have understood how easy it is, केवल heading अगर आपने start कर लिया बेटा बाकी चीजें easy हो जाएंगी आपके लिए। Suppose अगर question यही कह देता है Hotel Lake View Jaipur requires a young lady receptionist, draft a suitable advertisement, तो आप सबसे टॉप पर सिचुएशन वैकेंट लिख सकते हो, उसके नीचे देखो Hotel Lake View Jaipur requires a young beautiful attractive lady receptionist for its hotel, Age between 25 to 40 years, MBA and hotel management courses, आप उसका अब उसके according qualification जाएगी, minimum 3-4-5 जो भी experience लिखना आप लिख दीजिए, teaching नहीं, experience in working in any hotel, fluency in English,
अब ये चीजें बेटा देखिएगा अदर डिटेल्स में, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब आप, सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी नो बार, वर्क इन इंटरव्यू ऑन दिस डेट, कॉन्टैक्ट नेम में, कॉन्टैक्ट में द मैनेजर, होटल लेक व्यू जयपुर, कॉन्टैक्ट नंबर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट. अब देखो बेटा, कई बार क्वेश्चन चेंज कर देता है, कई बार क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. क्वेश्चन आ जाएगा, यू आर अ यंग एजुकेटेड एंड वेल क्वालिफाइड फेलो. क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, यू आर, योर नेम इज दिस, दे देगा, यू आर एक्स वाई जेड, योर क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस, यू आर अ वेल एजुकेटेड यंग मैन एंड यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको जॉब चाहिए. अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप जॉब सर्च कर रहे हो अपने लिए, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो जहां पर बेटा आप सिचुएशन वैकेंट लिखते थे, जहां पर आप सिचुएशन वैकेंट लिखते थे, वहीं पर सिचुएशन वांटेड आ जाएगा. कोई चेंज नहीं है. देखो बेटा, सिचुएशन वैकेंट हट गया, सिचुएशन वांटेड हो गया. अच्छा, आगे क्या होगा देखो. अब देखो, ऊपर आपने लिख दिया सिचुएशन वांटेड, आपने लिख दिया सिचुएशन वांटेड. अब देखो नीचे आप कैसे लिखोगे इसमें, अ यंग हैंडसम वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड फेलो रिक्वायर्स, आपको रिक्वायरमेंट है अ जॉब, किस फील्ड में चाहिए, जैसी क्वालिफिकेशन हो आप उसी फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आप, जो भी हो आप, एज आपकी, अपनी एज लिखिए, अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए आप अपने लिए, मिनिमम एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब तो कॉमन चीजें हो जाएंगी. अब यहां पर देखो बेटा, एक्सपेक्टेड सैलरी सिचुएशन वांटेड में, बिकॉज आप तो ऑफर कर नहीं रहे हो जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो यू, व्हाट, हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, योर एक्सपेक्टेड सैलरी आप क्या लिखोगे, एक्सपेक्टेड सैलरी दिस एंड दिस, कॉन्टैक्ट में बेटा अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर. सो आई होप सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वॉन्टेड इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सिचुएशन वांटेड में आप अपनी डिटेल, जो भी दिया गया है वो पर्सन अपनी डिटेल लिखेगा, हेडिंग विल बी चेंज सिचुएशन वांटेड, बट अगर आप कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब ऑफर कर रही है तो इट विल बी सिचुएशन वैकेंट. आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट दैट विल मूव The second advertisement that we'll discuss is to let. To let. मैं बार बार यही चीज emphasize कर रहा हूं बेटा कि whenever you are given any question, you need to identify what kind of a question it is. अगर advertisement कहता है आप कोई चीज rent पर दे रहे हो, आपका घर है, flat है, आप उसको लेट आउट कर रहे हो, रेंट पर देना या लेट आउट करना, सो एडवर्टीजमेंट विल बी टू लेट, हेडिंग विल बी टू लेट. जैसे देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड, पॉइंट्स टू रिमेंबर. व्हाट आर दीज पॉइंट्स? Begin with available. Begin with
अवेलेबल, आपकी बिगिनिंग जो होगी वो अवेलेबल से होगी, बिगिन विद अवेलेबल. सेकेंड पॉइंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस, विला और फ्लैट. डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउस, विला और फ्लैट. थर्ड, नंबर ऑफ रूम्स. Bathrooms and toilets. Next, other details. Expected rent. Tenant preference, if any. Contact name and address. Now listen better. If the question says that, suppose question is, we will discuss one sample question. If the question says, you have your newly constructed house in a posh area of Civil Lines, Lucknow, and you want to let out its ground floor portion on rent. आपका एक फ्लैट है, आपका एक विला है, आप उसका ग्राउंड फ्लोर पोर्शन, फर्स्ट फ्लोर पोर्शन, जो भी है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन आप रेंट पर देना चाहते हो. You want to let out a particular portion of it. Draft a suitable advertisement. अब आप क्या करोगे बेटा? सेम वही, कुछ नहीं करना है. पहले आप आइडेंटिफाई कर लो व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. ये क्लियर हो गया, इट इज सिचुएशन वैकेंट, सॉरी इट इज टू लेट. आप किराए पर दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट इज टू लेट. सेम वही चीज करना है, यू हैव टू मेक अ बॉक्स. क्लोजिंग नीचे आप नहीं करोगे. जिस टाइप का एडवर्टीजमेंट हो बेटा, सबसे टॉप पर हमें वही लिखना होता है. व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज, इट इज टू लेट. सो हेडिंग विल बी टू लेट, हेडिंग विल बी टू लेट. फर्स्ट हेडिंग कह रहे बेटा बिगिन विद अवेलेबल, क्योंकि आपके पास है तभी आप उसको रेंट पर दे रहे हो, तो बिगिनिंग विल बी, स्टार्टिंग विल बी विद अवेलेबल. Again in capital letter, available. अब क्या available है आप लिखते जाओ. A flat, flat है या house है, in a posh area of civil lines, जहां भी है बेटा. इसको रटना नहीं बेटा, एक घर में आप एक घर को रेंट पर दे रहे हो, उस घर में क्या क्वालिटीज हैं आप पूरा लिखते जाओ, उसमें एक घर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं. साइज 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम्स, one dining room, one dining room, modern baths and toilets,
modern baths and toilets, well ventilated kitchen, well ventilated kitchen facing park, facing park 24/7, water and electricity supply, 24/7 water and electricity supply, expected rent 12,000 per month, tenant preferences mein beta, tenant preferences mein you can write only government employees preferred, small families preferred, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा middle men please excuse, मतलब महंगा है सभी के लिए नहीं है, middle men please excuse, आप कुछ भी tenant preferences में आप कुछ भी लिख सकते हो, suppose आपने लिख दिया small families preferred, लास्ट में सेम वही चीज बेटा, कॉन्टैक्ट यू हैव टू राइट कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस, बेटा इफ नो नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन राइट एक्स वाई जेड, आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, मिस्टर एक्स वाई जेड एड्रेस, वट एवर एड्रेस इज गिवन यू विल राइट दैट एड्रेस एंड एट लास्ट यू विल राइट कॉन्टैक्ट number and then final closing of the box, you will close that box. So ध्यान रखिएगा बेटा, अगर advertisement to let पर है, आप कोई चीज rent पर दे रहे हो, let out कर रहे हो, so quite easy, बस heading mind रखना है, जिस type का advertisement है heading will be at the top और available क्या available है आप लिखते जाओ, एक घर में क्या क्या quality होती, अगर आपको लगता कुछ qualities और लिख सकते हो तो आप I have written only important points. मैंने आपको एक गाइडलाइन दिया है बस, अगर इससे अच्छी आपके पास अगर कोई आइडियाज हैं तो आप उनका यूज करके एडवर्टीजमेंट को अच्छा बना सकते हो. So I hope you have understood to let. Now we'll move to for sale. Next advertisement is for sale. बेटा फॉर सेल, अब इसको भी आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, अगर क्वेश्चन कहता है यू आर गोइंग टू डिस्पोज दिस थिंग, आपको कोई चीज बेचना है, घर बेचना है, गाड़ी बेचनी है, कई बार देखो बेटा कैटल, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप अपना लाइव स्टॉक बेच रहे हो, आपकी कभी डेयरी हुआ करती थी, आपके पास मिल्चिंग कैटल हैं, बहुत सारी काउज हैं, बफेलोज हैं, मिल्चिंग कैटल हैं, आप उनको डिस्पोज करना चाहते हो, तो जब भी आपको बेचने की बात की जाए, सेल करने की बात की जाए, सो एडवर्टीजमेंट विल बी फॉर सेल, उसकी जो कैटेगरी होगी वो फॉर सेल की कैटेगरी होगी. सो फॉर सेल में पहला क्या आता, सेल ऑफ हाउस या फ्लैट, दूसरा सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ व्हीकल गाड़ी बेच रहे हो तो या घर बेच रहे हो तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सेल ऑफ फॉर सेल, sale of house, we will discuss sale of house, same way cheese beta, points to remember,
points to remember. Begin with available. Begin with available. Begin with available. Second point, description of house or villa or flat, whatever it is, a brief description of house, villa or flat. Number third, number of rooms, location, size, etc. Number of rooms, location, size, etc. Number fifth, other details, other details, other necessary details. Next, expected price, how much are you expecting? Last but not the least, contact, name and address. Contact, name and address. So, I hope you have understood these points. Question wahi rahega beta. You have your newly constructed house in a posh area of XYZ place and you want to dispose it. You want to sell it. Aapko apna flat bechna hai, ghar bechna hai. ठीक है, आप उसका एडवर्टीजमेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे? यू विल मेक अ बॉक्स जैसा आप बना रहे थे, अट्रैक्टिव बॉक्स. पहले आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज. एडवर्टीजमेंट था फॉर सेल. सेल में कौन सा? सेल ऑफ हाउस. तो सबसे टॉप पर type of advertisement which is for sale, you will mention for sale. For sale start kisse karenge beta? Available. Starting will be with available. Kya available hai beta? Likhte chaliye. A villa in a posh area of civil lines, size 1200 square feet, facing park or hospital, जो भी है बेटा उसकी लोकेशन क्या है आपको. फेसिंग पार्क, थ्री बेडरूम्स प्लस वन ड्राइंग रूम, थ्री बेडरूम्स प्लस वन ड्राइंग रूम, मॉडर्न बाथ्स एंड टॉयलेट्स, modern baths and toilets, well ventilated, well ventilated, 24/7 water and electricity supply, कुछ पॉइंट्स और भी आप लिख सकते हो बेटा. पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल, लॉन, लश ग्रीन लॉन. आपको लगता है कुछ पॉइंट्स और तो आप लिख सकते हो, वो पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं. एक्सपेक्टेड प्राइस,
rupees 80 lakh. Got it? Contact. Last point, beta. Same. Contact Mr. XYZ. His or her address. At last, contact number. After contact number, there will be a final closing. Aap usko finally close kar doge. So this is for sale. Dekho beta, ab do cheeze hain. Ek question bachchon ko bahut confuse karta hai. Main aapko clear kar do. आप जब घर पर या फ्लैट को किराए पर दे रहे होते हो तो हेडिंग लिखते हो टू लेट. योर हेडिंग इज टू लेट. आप जब उसको बेच रहे होते हो तो आप लिखते हो फॉर सेल. कई बार क्वेश्चन चेंज कर देता है बेटा. ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कैसे चेंज करेगा. कंटेंट लगभग लगभग वही होते हैं बट हेडिंग चेंज हो जाती है. क्वेश्चन आ जाएगा, यू आर एक्स वाई जेड, यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ good place where you can run your, you can start your clinic. You are looking for a place, proper place where you can start your clinic. जहां पर अपना आप शोरूम खोल सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो. ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप जगह तलाश कर रहे हो. आपको कह सकते हो एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, एकोमोडेशन चाहिए आपको, जहां पर आप शोरूम खोलना चाहते हो, जहां पर आप अपनी क्लिनिक खोलना चाहते हो. तो ऐसे सिचुएशन में अब बच्चों समझ नहीं आता यार, ये तो टू लेट भी नहीं है, ये तो फॉर सेल भी नहीं है, ये तो मुझे खुद चाहिए. तो ऐसे केसेस बेटा हेडिंग बिकम्स, हियर आई एम राइटिंग, हेडिंग बिकम्स विथ एकोमोडेशन वॉन्टेड. स्पेलिंग शुड बी क्लियर. Accommodation wanted. Heading becomes accommodation wanted. In that case, you will write the heading accommodation wanted available. Available यहां पर नहीं होगा बेटा. अब यहां पर आएगा कि looking for requires accommodation wanted requires. Looking for a proper place, hall चाहिए, इतने bed, इतने rooms चाहिए, baths and toilets होने चाहिए, parking facility होनी चाहिए, lawn होना चाहिए, 24/7 electricity supply होनी चाहिए, well ventilated हो और expected rent कितना हो. Because you are looking for accommodation, so you will mention expected rent. So accommodation wanted आएगा ऐसे cases में. अब देखो बेटा, मान लो क्वेश्चन चेंज हो गया, फॉर सेल का ही नेक्स्ट कैटेगरी आता है सेल ऑफ व्हीकल. नेक्स्ट कैटेगरी इज सेल ऑफ व्हीकल. दिस इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ फॉर सेल, सेल ऑफ व्हीकल. अब देखो बेटा, क्वेश्चन आ जाएगा, यू आर मिस्टर एक्स वाई जेड एंड यू हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज योर फोर व्हीलर कार. आपको अपनी फोर व्हीलर बेचनी है, आपको अपनी टू व्हीलर बेचनी है. जब भी बेचने की बात करते हैं तो कैटेगरी बिकम्स फॉर सेल एंड फॉर सेल की सब कैटेगरी है सेल ऑफ व्हीकल. पॉइंट टू रिमेंबर, बिगिन विद available, begin with available, your beginning will be available, you have to start it with available. Second point will be name and company of vehicle, name and company of vehicle. Third point will be color, model,
एटसेट्रा, किस ईयर का मॉडल है, कौन सा कलर है. नेक्स्ट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हीकल. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्हीकल. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट विल बी माइलेज. माइलेज स्पेलिंग शुड बी क्लियर बेटा, माइलेज. नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्सपेक्टेड प्राइस. एक्सपेक्टेड प्राइस, कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस. कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस. सपोज क्वेश्चन सेज यू वॉन्ट टू डिस्पोज, यू हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज योर फोर व्हीलर कार. कई बार कार का, गाड़ी का नाम भी मेंशन कर दिया जाता है. इफ नो नेम इज मेंशन, यू कैन इमेजिन आपको अपनी फोर व्हीलर डिस्पोज करनी है. टू व्हीलर, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, उसको सेल करना है. ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट. हाउ विल यू राइट? द प्रोसेस इज सेम. यू विल मेक अ बॉक्स. हेडिंग विल बी फॉर सेल. Heading will be for sale, available, because it is available with you. For sale, available. क्या available है बेटा? A Hyundai car, Hyundai car. You can also mention the name of that vehicle, name of that car. Suppose you are going to sell a black Tata Safari, a black Tata Safari. Begin name and company of vehicle हो गया बेटा. अगर यह बाइक होता तो आप क्या लिख देते? अभी हम लोग इसको बाइक वाला बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग फोर व्हीलर का डिस्कस कर लें. A black Tata Safari, scratchless. Scratchless, 2015 model. 2015 model. अब एक बेटा गाड़ी में जो क्वालिटी होती है, फोर व्हीलर में जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, आप सबको मेंशन कर देना है. वो सारी क्वालिटीज आपको यहां मेंशन कर देनी है. Excellent interiors. Excellent interiors, fully air conditioned, fully air conditioned, airbags, petrol driven. Petrol है या diesel है बेटा, उसको लिखना पड़ेगा. पेट्रोल ड्रिवन, पावर ब्रेक. ब्रेक की स्पेलिंग चेक करेंगे. पावर ब्रेक्स. फोर व्हीलर में क्या क्या क्वालिटी आप देख सकते हो? पावर स्टीयरिंग, डिजिटल मीटर.
डिजिटल मीटर, माइलेज देखो बेटा, माइलेज कुछ भी लिख सकते हो, 12 KMPL माइलेज, 12 KMPL माइलेज, किलोमीटर पर लीटर माइलेज, एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस 3 lakh, 3 lakh रुपीज। लास्ट में बेटा क्या लिखोगे, कॉन्टैक्ट, सेम वही चीज, मिस्टर एक्स वाई जेड एड्रेस, एंड एट लास्ट यू विल मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन फाइनल क्लोजिंग। सो दिस एडवर्टीजमेंट इज फॉर 4-wheeler। इन केस अगर ये 2-wheeler होता बेटा, सपोज क्वेश्चन कहता यू हैव डिसाइडेड टू डिस्पोज योर होंडा पैशन प्रो, बजाज पल्सर, तब आप क्या लिखते बेटा, फॉर सेल अवेलेबल अ मल्टी कलर्ड, मल्टी कलर्ड है तो ठीक है, या रेड ब्लैक है, अ रेड ब्लैक बजाज पल्सर। अब एक 2-wheeler में क्या क्वालिटी होती है देखिए बेटा, बजाज पल्सर स्क्रैचलेस 2012, 2014, 2016 मॉडल। अब इंटीरियर तो है नहीं बेटा, अब एक बाइक के अकॉर्डिंग सोचो बेटा, पावर ब्रेक, डिस्क ब्रेक है, डिजिटल मीटर है, ट्यूबलेस टायर्स हैं, डिजिटल मीटर, ट्यूबलेस टायर्स, नाइट्रॉक्स सस्पेंशन, जो शॉकर होता है, नाइट्रॉक्स सस्पेंशन, मोबाइल चार्जिंग, सेल्फ स्टार्ट है, ये आपने दे दिया, स्टीयरिंग वगैरह आएगा नहीं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सेल्फ स्टार्ट है, अगर फ्रंट डिस्क ब्रेक है या बोथ फ्रंट और रियर दोनों आप लिख दोगे, माइलेज लिख दोगे बेटा 50 KMPL माइलेज, 50 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, एक्सपेक्टेड प्राइस 50,000, कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस। सो आई होप यू कैन राइट द एडवर्टीजमेंट्स बेस्ड ऑन फॉर सेल, सेल ऑफ व्हीकल, सेल ऑफ हाउस या एकोमोडेशन वॉन्टेड, एकोमोडेशन वॉन्टेड वाले भी मैंने डिस्कस कर लिए। ऐसे ही बेटा लॉस्ट एंड फाउंड वाला भी जाएगा, कुछ आपने खोया कुछ आपने पाया, हेडिंग चेंज हो जाएगी एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी सेम, एट लास्ट यू विल मेंशन कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस। सो आई होप इन टुडेज वीडियो एडवर्टीजमेंट टॉपिक इज क्लियर एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट एंड यू विल रिवाइज इट, यू विल ऑल्सो रिवाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट्स। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज। Thank you so much.